सीएल उडारिया की बात करें तो शो में आप सभी को बताते चले कि एक बार फिर से तेजो और जैस्मीन आमने सामने आ चुकी हैं। तेजो जो है वो फतेह के घर में जाकर सबको मनाने की कोशिश कर रही है कि सभी लोग शादी में आए और फतेह जैस्मीन को आशीर्वाद दे। ये बात समझा रही थी तेजो, तभी पीछे से जैस्मीन और फतेह आ जाते हैं शॉपिंग करके। फतेह अपनी कानों से सुन रहा होता है कि तेजो कैसे समझा रही है। तेजो समझा कर सीधे चली जाती है, फतेह की तरफ देखती तक नहीं है। फतेह सोचता है कि तेजो एक पल रुककर बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि जैस्मीन तेजो के पास आती है और फिर से उसे उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देती है। और जैस्मीन ये कहती है कि तुम इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबको मनाने की जरूरत नहीं है कि आशीर्वाद देने के लिए घर वाले हमारी शादी में आए। अभी भी मुझे तो तुम पर शक ही है कि तुम मेरे फतेह को छीन ना लो, तुम्हारी नजर जो है फतेह के ऊपर है। यहाँ तेजो कहती है कि फतेह कोई चीज नहीं है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, और इसलिए उसने तुम्हें चुना है। कम से कम इसका तो रिस्पेक्ट करो जैस्मीन। जैस्मीन को तेजो बहुत समझाती और कहती है कि कम से कम माँ बाप को तो इतना हक है कि वो अपने बच्चे को आशीर्वाद दे शादी में। वेल, अब देखना दिलचस्प होता है कि तेजो और जैस्मीन आमने सामने हैं, जहाँ तेजो जो है सिर्फ यही चाहती है कि फतेह जैस्मीन की शादी में सब पार्टिसिपेट करे और सब उन्हें आशीर्वाद दे। तो इधर खुशवीर सिंह और रूपी सिंह मिलकर अंगद और तेजो को एक करने की कोशिश कर रहे हैं।